नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी आप जो पौधा देख रहे हैं ये कंदमूल का पौधा है, और इससे पहले भी हमने दोस्तों कंदमूल के विषय में वीडियो बनाई है, और उस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमें कई लोगों ने जो कंदमूल का कांदा और वो कहाँ पर पाया जाता है, इन सभी सवालों के साथ हमें कमेंट किए हैं। तो दोस्तों इसी कमेंट को अब लोग इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, आपको दिखाएंगे जो कंदमूल का कांदा होता है उसकी फसल कहाँ पर होती है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं जो कंदमूल का पौधा है वो खुदाई करने से पहले इन सभी को अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लेते हैं, इसी सभी बाकी तने को काट लेते हैं, और उसी कटे हुए तने से दोस्तों फिर से देख सकते हैं नई जो कलियां हैं वो निकल आई हैं। कुछ इस तरह से जो नई कलियां आपको दिख रही हैं वो है, और इन्हीं पौधे में से दोस्तों किसी एक पौधे से जो कंदमूल का मुख्य फसल है कांदा है उनकी जड़ों में होता है, तो उसी को आपको खन के दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो कंदमूल का कांदा होता है वो होता है। तो अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ कंदमूल का पौधा आपको दिख रहा होगा किनारे किनारे लगभग, और ये दोस्तों नींबू का पौधा है, और इसी में से दोस्तों चलिए आपको कोई सभी खन के दिखाते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, हमारे हाथ में दोस्तों कंदमूल की खुदाई करने के लिए एक औजार है जिसे हम गैती या कुदाल बोलते हैं, तो उसी के साथ हम लोग जा रहे हैं जो कंदमूल का पौधा है उसकी जड़ से कंदमूल है उसको मुख्य फसल को निकालने के लिए। तो चलिए वीडियो में बनी रहिए, दिखाते हैं आपको जो कंदमूल का कांदा होता है वो कैसा होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसी पौधे से जड़ों में जो इसकी कंदमूल का मुख्य फसल है वो पाया जाता है, और यहीं इसकी जड़ से दोस्तों हम लोग जो कंदमूल है उसको निकालते हैं, किस तरह से दिखता है कैसा होता है ये दोस्तों आपके लिए भी एकदम नई चीज़ है, और कहीं ना कहीं एक मेरे लिए भी एक नया चीज़ है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कंदमूल का कांदा कैसा होता है। तो अभी देख सकते हैं मिट्टी को निकाला जा रहा है अच्छी तरह से, इसकी जड़ों में जो मिट्टी रहती है दोस्तों उसको निकाला जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग हाथ से सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो यदि हम इसमें जो अपना औजार है कुदाल है या गैती है उसको चलाते हैं तो मुख्य फसल को कहीं ना कहीं क्षति पहुंच सकती है। तो अच्छी तरह से खुदाई करने के लिए दोस्तों पहले पौधे को हमें निकालना होगा, तो चलिए पहले पौधे को निकालते हैं, यहाँ से जड़ है उनकी जो उनके पौधे हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं मैं पौधे को उखाड़ रहा हूँ, और अभी पौधा दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से उखड़ गया, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा जो पौधा का जड़ है वो सड़ गया है, और हमें नहीं लगता दोस्तों कि इसमें से कंदमूल का कांदा अच्छी तरीके से निकल पाएगा। फिर भी हमें दोस्तों अपने यूज के लिए लगभग हमें आधा केजी के आसपास कंदमूल का जो कांदा है वो मिल गया है, और कुछ इसी तरीके से देख सकते हैं कंदमूल का कांदा रहता है। फिर भी हम ढूंढ रहे हैं दोस्तों कि हमें और मिल जाए, लेकिन दोस्तों पौधा पूरा सड़ गया था जिसके कारण से इसमें कंदमूल का कांदा नहीं मिल पाया गया। सड़ने का कारण ये हो सकता है दोस्तों कि ये ऐसा जगह है जहाँ पर जो पानी का रिसाव होता रहता है, पानी यहाँ पर एकत्रित रहता है, और साथ में हमें चीनी कांदा भी मिल गया, तो जिसके कारण दोस्तों ये पानी रुकने के कारण यहाँ का जो पौधा है वो सड़ गया है, इसमें उतना अच्छा कंदमूल का कांदा नहीं पड़ा है। फिर भी हमें अपने यूज के लिए उपयोग के लिए हमें आधा किलो के आसपास जो कंदमूल का कांदा है वो मिल गया है। फिर भी हम ढूंढते हैं, यदि हमें कोई एक आठ हो मिल जाता है, नहीं मिला दोस्तों हमें तो हमें इसी के साथ अपना काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हमें जो कंदमूल प्राप्त हुआ है उसे लेकर हम लोग जा रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से साफ करेंगे। अभी देख सकते हैं हम अपने बैंगन के खेत से होते हुए जा रहे हैं जो कंदमूल का कांदा है उसे लेकर, और इसको अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम लोग अच्छी तरह से पानी में साफ सफाई कर रहे हैं देख सकते हैं, और ये दोस्तों सफाई करने के बाद जो इसमें मिट्टी लगी है उसको साफ़ करने के बाद ये एकदम सफ़ेद रंग का दिखाई देगा दोस्तों, और खाने में स्वाद की बात करें तो एक मीठा होता है और रसदार होता है, जिस तरह से सिंघाड़े का स्वाद होता है कहीं ना कहीं उससे ये जो इसका स्वाद है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा मैच खाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कंदमूल का कांदा है वो कैसा होता है, और जो इनकी मुख्य फसल होती है दोस्तों वो जड़ में पाई जाती है, ये जानकारी दोस्तों आपको मिल गया होगा। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि कोई जानकारी छूटती है दोस्तों तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।